हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महेश कोचिंग बाय महेश इखार कर सर। आप सभी का महेश कोचिंग बाय महेश इखार कर इस चैनल पे स्वागत है। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, घंटी बजाना ताकि मेरा अपलोड होने के बाद आपको मोबाइल की घंटी बज जाए। आज अपन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का लास्ट सब टेंस पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर टेंस का लास्ट सब टेंस पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। मतलब कोई काम जो रहता है ना, वो काम पास्ट में चालू हुआ फ्यूचर तक चल पास्ट वो काम पास्ट में चालू हुआ और फ्यूचर तक कंटिन्यू है, या फिर प्रेजेंट में चालू हुआ फ्यूचर तक कंटिन्यू है, या तो फिर फ्यूचर में चालू हुआ फ्यूचर में ही कंटिन्यू है, ऐसे भी रहता है। ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है। और ये समय के साथ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस समय के, मतलब जब मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, जब मैं ऐसा ऐसा खाऊंगा तो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, मैं ऐसा ऐसा नाचूंगा तो ऐसा ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बातें बताने के लिए फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है। फॉर्मूला देखा जाए तो सब्जेक्ट मतलब डूअर, शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मतलब शाल सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोनाउन के साथ लगता है, वही और आई आई वही के साथ शाल लगता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ सब डोर के साथ विल लगता है। और आई आई और वही इस दोनों के साथ भी आप लोगों ने विल लगाया तो भी कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। समय के साथ इसको ऐसे यूज किया जाता है, जैसे कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश सीख रहा हूँगा, जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, मतलब स्कूल जाएगा ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन सीख रहा हूँगा मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है, उसका कंटिन्यू काम चल रहा है ना। जब मैं स्कूल जाऊंगा तब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, मतलब सब वो स्कूल गया तो इंग्लिश पढ़ रहा है ना, खत्म हो गया वो इंग्लिश सीख रहा है ना, सीखना खत्म नहीं हुआ तो काम कंटिन्यू चल रहे हैं। इसे ऐसे बातें करने के लिए बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश सीख रहा होगा, ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। मैंने बोला था हिंदी ऐसी होंगी तो इंग्लिश ऐसी उल्टी करना, मैंने बोला था उसके बाद ही अवायदे को, जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश सीख रहा होगा, पहले इंग्लिश सीख रहा होगा ये पहले ट्रांसलेट करो, ये पहले ट्रांसलेट करो। आई विल बोला शाल बोलो, आई विल हैव बीन लर्न इंग्लिश लर्निंग आई विल बी हैव लर्निंग इंग्लिश कब व्हेन आई गो टू स्कूल when I go to school, when I will have been learning English when I go to school, जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश पढ़ रहा होऊंगा, सीख रहा होऊंगा, जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश सीख रहा होऊंगा, मैं तुमको सिखाते आ रहा होऊंगा, भाई तुम्हें सिखाते आ रहा हूँगा, भाई तुम्हें सिखाते आ रहा हूँगा, सिखाते आ रहा हूँगा बोले तो सिखाते आ रहा है, मतलब वो सिखाते सिखाते आ चल रहा है क्या, नहीं इसका सेंस आ रहा है, इसका सेंस कम नहीं है, ये आ रहा मतलब इसका सेंस बीन है, लेकिन मतलब वो क्या हो रहा, मतलब उसने कल भी पढ़ाया, आज भी पढ़ाया और परसों भी पढ़ाएंगे आज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे पिछले दिन से अभी तक और अभी से अभी और कंटिन्यू पढ़ाते ही रहेगा वो, मतलब पढ़ाते आ रहा है, ऐसा उसका सेंस है। जैसे कि मैं 10 दिन से तेरे घर में खाना खाते आ रहा हूँ, मतलब कि मैं वो थाली पकड़ के मैं चल रहा हूँ क्या, नहीं ना, 10 दिन से आपके घर खाना खाते आ रहा हूँ, मतलब मैं 10 दिन से आपके घर में खाना खा रहा, कल भी खाऊंगा परसों भी खाऊंगा, कंटिन्यू काम है, ये बताने के लिए ऐसे इंडिकेट होता है, ऐसे इंडिकेट करने के लिए ये आ रहा है, आ रहा होगा ये बोला जाता है।
इसमें आप बोलोगे सर इसमें समय तो दिख नहीं रहा, इसमें समय मैंने जानबूझ के नहीं लिया ताकि सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आसानी हो, इसलिए भाई तुमको सिखाते आ रहा हूँ, मतलब 10 दिन से सिखाते आ रहा हूँ, 1 महीने से सिखाते आ रहा हूँ, हफ्ते से सिखाते आ रहा हूँ, ऐसा समय अपन ले सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया, ठीक है भाई तुमको सिखाते आ रहा हूँ, फ्यूचर प्रोफेक्ट कंटेंस है माही विल हैव बीन टीचिंग यू, माही विल हैव बीन टीचिंग यू, माही विल हैव बीन टीचिंग यू, माही माही तुमको सिखाते आ रहा हूँ, इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब इसका निगेटिव देखो, निगेटिव का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगेगा, बाकी जैसे का वैसे रहेंगे, जैसे कि आई विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश व्हेन आई Go to school. जब मैं स्कूल जाऊंगा तब मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, जब मैं स्कूल जाऊंगा तब मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, स्कूल तो इधर भी जाएगा, स्कूल तो जाएगा जे, लेकिन ये इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, वो इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, मैं तुमको सिखाते आ रहा हूँ, मैं तुमको सिखाते नहीं आ रहा हूँ, माई विल नॉट हैव been teaching you. Teaching you. भाई तुम सिखाते नहीं आ रहा हूँ, ऐसा negative, negative और positive, इस तरह से negative positive किए जाते हैं। इसके WH बोले तो क्या होगा, कुछ नहीं, subject की जगह object होगा, object की जगह subject होगा। उसी तरह इसमें भी जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश सीख रहा हूँ क्या, क्वेश्चन हो गया, तो क्या होगा इसमें भी वैसे दूंगा, ये विल होगा, विल आई हैव लर्निंग, बाकी जैसे का वैसे रहेगा, तो सीखा जा रहा हूँ क्या, इसमें भी क्वेश्चन कर रहा हो रहा, तो फिर इसमें भी सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह सब्जेक्ट लेंगे, बस बात खत्म, क्वेश्चन मार्क होगा। उसी तरह निगेटिव, निगेटिव में भी क्या रहेगा, वैसे तो रहता है, निगेटिव में भी, निगेटिव में भी वैसे तो रहता है, शॉल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा निगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि विल आई नॉट हैव बीन एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क, माही विल नॉट, इसमें भी विल माही क्वेश्चन मार्क, बस कुछ ज्यादा कठिन नहीं है रे, इसमें इंग्लिश मतलब वही की वही, वही की वही, वही की वही ना, आपको डांस करना है, नाचना है, वही को वही नचाया जाता है, सिर्फ ध्यान और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वही की वही, वही की वही नचाया जाता है। ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी क्वेश्चन वर्ब। अब डब्ल्यू एच देखा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे का वैसे तो रहता है, सिर्फ और सिर्फ अभी जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे डब्ल्यू एच लगाया जाता है, बस हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। मैं इंग्लिश, मैं जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश सीख रहा हूँ क्या, जब मैं स्कूल जाऊंगा तब इंग्लिश कहाँ सीख रहा हूँ, कहाँ, अब जो जा तो स्कूल रहा है ना, कहाँ सीख रहा हूँ, क्या होगा इसमें, क्या होगा कहाँ, मतलब वेयर लगेगा, वेयर विल, वेयर विल आ है, बाकी जैसे का वैसे रहेगा, उसी तरह इसमें भी क्या होगा, आगे डब्ल्यू एच लग जाएगा और नॉट लगेगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा, मतलब वेयर, इधर भी वेयर देखो, वेयर विल आई नॉट, वेयर विल आई नॉट, वेयर विल आई, वेयर विल आई नॉट हैव बीन, ये निगेटिव क्वेश्चन हो गया। बस इसी तरह से इसी तरह से फ्यूचर टेंस का लास्ट सब टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन चूज करो,
वीडियो अच्छा लगा हो तो होगा तो वीडियो को लाइक करो। मुझे तो नहीं लगेगा कि आज कुछ ज़्यादा पढ़ाया करके मैंने, तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं ऐसा ही वीडियो बनाया। मुझे लगता नहीं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना। नमस्कार।